दोस्तों कुछ इस प्रकार का बोर्ड का वायरिंग करके हम आपको आज सिखाएंगे, जिसमें पार्ट लगा हुआ है। दो 5-पिन सॉकेट है और 6 वन वे स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, एक इंडिकेटर है, एक बल्ब होल्डर है और एक फ्यूज है। इसका कनेक्शन कैसे होता है चलिए हम आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं, ये बैक पैनल को हम साइड में रखते हैं। इसमें चलिए हम कनेक्शन करते हैं, जितना उपकरण है उस सब में हम पहले न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट उपकरण है। तो देख सकते हैं ये 5-पिन सॉकेट है, ये इंडिकेटर है और ये होल्डर है, ये सब उपकरण है। उपकरण किसे कहते हैं दोस्तों, जो न्यूट्रल और फेज दोनों से चलता है उसे उपकरण कहते हैं। ये स्विच और फ्यूजर मेरा उपकरण नहीं है। तो दोस्तों हमको सब उपकरण में एक एक पॉइंट को न्यूट्रल का फेज से हमको शॉर्ट करना है। तो देख सकते हैं न्यूट्रल के लिए ब्लैक तार, काला वाला तार ले लिए हैं। तो चलिए इसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन पहले कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिए। अब इसमें हमको बाकी रह गया फेज की कनेक्शन करने का। तो सब फेज की कनेक्शन, जितना स्विच है सब स्विच की एक एक टर्मिनल में हम फेज का कनेक्शन को शॉर्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह तार हम छील दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सबको शॉर्ट करेंगे इस तरह। इसमें घुसा कर देख सकते हैं जितना स्विच की टर्मिनल है सबको बारी बारी से एक में लगा कर इसमें नट को हम टाइट कर देंगे, यानी कस देंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो ये 3 स्विच है इस तीनों स्विच में इसी तरह लगाकर इस नट को हम टाइट कर देंगे। उससे पहले दोस्तों ये 3 स्विच का जो शॉर्ट किए हैं इस वायर को, इस स्विच की जो टर्मिनल है इसमें लगाकर हम टाइट कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों इसमें लगाकर हम इसको टाइट कर दिए, और एक वायर जो बचा यहाँ जो फेज वाला वायर है इसको इस फ्यूज की एक टर्मिनल पर हम इसको लगाकर टाइट कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं फेज का कनेक्शन कुछ इस प्रकार कर दिए, जितना स्विच की टर्मिनल है सबको एक एक में लगाकर हम शॉर्ट कर दिए, और एक जो आउट इससे निकाले स्विच से आउट निकाले फ्यूज में लगाकर इसको हम टाइट कर दिए। अब चलिए दोस्तों ये जो 5-पिन सॉकेट की एक टर्मिनल बचा हुआ है इस स्विच से शॉर्ट कर देंगे, और इस स्विच 5-पिन सॉकेट की टर्मिनल से इस स्विच की टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। तो चलिए इसको छोटा छोटा वायर देख सकते हैं हम ले लिए, इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इस स्विच की टर्मिनल से इस 5-पिन सॉकेट की टर्मिनल को शॉर्ट कर दिए, और इस स्विच की टर्मिनल से इस 5-पिन सॉकेट की टर्मिनल को शॉर्ट कर दिए। तो 5-पिन सॉकेट की कनेक्शन पूरा हो गया। अब दोस्तों होल्डर में हम उसी प्रकार कनेक्शन करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं इस स्विच की टर्मिनल से आउटपुट लिए और होल्डर में इनपुट कर दिए, यानी यहां से यहां तक इसको शॉर्ट कर दिए ताकि इस स्विच से ये ऑन ऑफ होगा, और इस स्विच से ये ऑन ऑफ होगा, और इस स्विच से ये ऑन ऑफ होगा। इसमें बच गया इस ये वाला स्विच और ये वाला स्विच, यानी 3 स्विच इसमें बच गया। 3 स्विच को कनेक्शन हम करेंगे। जैसे दोस्तों हमको 2 बल्ब का कनेक्शन इसमें कर देंगे, चलिए 2 बल्ब का हम कनेक्शन कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 2 बल्ब की कनेक्शन हमें इस स्विच से और ये वाला स्विच से दोनों को कनेक्शन कर दिए, दोनों बल्ब को। दोस्तों अब एक हमको इसमें पंखे का वायर निकालना है ताकि पंखा इससे हम चला सके। तो दोस्तों देख सकते हैं पंखा की वायर के लिए हम इस प्रकार वायर निकालेंगे, इतना बड़ा वायर को हम कट कर लिए और इसमें पंखा का कनेक्शन करेंगे। देख सकते हैं जो एक स्विच बचा हुआ है इसमें हम पंखा का कनेक्शन जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इस स्विच का कनेक्शन हम पंखा से कर दिए। अब 3 को जो न्यूट्रल इसका बचा हुआ है तीनों को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। देख सकते हैं तीनों को आपस में हम जैसे शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करके और कहीं न्यूट्रल की इस पर यहाँ भी कस दे, यहाँ भी कस दे, यहाँ भी कस दे, यहाँ भी किसी न्यूट्रल की टर्मिनल पर इसको लगाकर कस देना है ताकि इसको न्यूट्रल मिल सके, पंखा को न्यूट्रल मिल सके, बल्ब को न्यूट्रल मिल सके। तो किसी पर आप कर सकते हैं जहां भी आपको साधन मिले,
तार जहां भी आपको पहुंच जाए वहां पे भी आप कस सकते। तो चलिए हम इसी पे कस देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह कनेक्शन कर दिए। अब इसमें दोस्तों हो गया 99% कनेक्शन पूरा हो गया, 1% जो कनेक्शन इसमें बच गया दोस्तों उसका कनेक्शन किस प्रकार करना होगा, तो एक इंडिकेटर में आपको एक फ्यूज से लाकर कस देना है। दोस्तों देख सकते हैं फेज का जो कनेक्शन है फ्यूज से उठाकर हम इंडिकेटर में लगाकर कर दिए ताकि इंडिकेटर मेरा ग्लो करे तो पता चले। अब दोस्तों इसमें हम इनपुट के लिए वायर देंगे, जो देख सकते हैं एक फ्यूज की जो टर्मिनल बचा हुआ है इस पे हम जो मेरा रेड कलर का वायर है जो फेज के कनेक्शन के लिए है इसको हम यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। देख सकते हैं कनेक्शन कर दिए, ये मेरा इनपुट के लिए हो जाएगा। और दूसरा जो मेरा ब्लैक कलर का वायर है न्यूट्रल के लिए हम एक इंडिकेटर से यहाँ से लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम इनपुट के लिए दो वायर ले लिए, एक मेरा फेज का हो गया और एक न्यूट्रल का हो गया। इस तरह दोस्तों इसका कनेक्शन पूरा हो गया। आप ध्यान से देख लीजिएगा ये दो बल्ब का दो स्विच से हम कर लिए नीचे वाला स्विच से, और एक ये स्विच से जो पंखा का हम कनेक्शन कर ले। चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। उससे पहले दोस्तों फ्यूज में एक पतला सा वायर को आप बांध दीजिएगा, उसके बांध के और लगा दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं हम इसमें लाइन दे दिए हैं, देख सकते हैं करंट दे दिए हैं, एलईडी में लग ग्लो कर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्त बल्ब हम लगा दिए हैं। अब इसको चालू जैसे करेंगे देख सकते हैं बल्ब ये ग्लो कर रहा है। फिर दूसरा स्विच को हम चालू करेंगे ये भी बल्ब ग्लो कर रहा है। दोस्तों चलिए इसमें कोई उपकरण हम आपको लगा कर दिखा दें। तो चलिए इसमें चार्जर ही लगा कर दिखा देते हैं। तो चार्जर जैसे ही लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे देख सकते हैं ये ग्लो कर रहा है, आपको हल्का हल्का दिखाई देता होगा देख सकते हैं। और दूसरा 5-pin सॉकेट में भी स्विच को ऑन करेंगे तो देख सकते हैं ये भी ग्लो कर रहा है। दोस्तों चलिए इसमें इस होल्डर में हम एक एलईडी बल्ब को लगाकर आपको चेक कर देते हैं। इस स्विच को यहां से कनेक्शन है तो देख सकते हैं ये ग्लो करने लगा। इस तरह दोस्तों इस बोर्ड का कनेक्शन करना बहुत आसान है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।